पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हुई घोषित। ईशान किशन सहित चार दिग्गज खिलाड़ियों की हुई एंट्री। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला कल खेला जाने वाला है, जिसके लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन सहित कौन से चार दिग्गज खिलाड़ियों की भारतीय टीम में एंट्री हुई है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज खेली जाने वाली है। इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी 2022 को खेला जाएगा, जो की अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 2:30 से होगी, जहां इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो। इसके अलावा मोबाइल पर हॉटस्टार एप्लीकेशन के जरिए से आप इस मुकाबले को देख सकते हो। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पहले मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल COVID-19 के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से पहले वनडे मुकाबले में इन खिलाड़ियों को मौका मिल पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। इनकी जगह भारतीय टीम में बैकअप खिलाड़ियों के तौर पर युवा खिलाड़ी शामिल हैं, जो कि आप सभी को पहले वनडे मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकती हैं। इस वनडे सीरीज के जरिए से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की वापसी आखिरकार हो चुकी है। हाल ही में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, जिसके बाद रोहित शर्मा की वापसी होने से भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और बतौर बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के आंकड़े बेहद ही खतरनाक नजर आते हैं। और रोहित शर्मा की वापसी होती ही विरोधी टीम के खेमे में भी काफी हलचल मच गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी और कप्तानी से अपना प्रभाव डाल पाते हैं। पहले वनडे मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके जरिए से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 लगभग तय हो गई है। खासतौर पर रोहित शर्मा ने यह निश्चित कर दिया है कि पहले वनडे मुकाबले में ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा भारतीय टीम में कई सारे युवा खिलाड़ी आप सभी को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सभी खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ियों का वनडे क्रिकेट में हमें डेब्यू होते हुए भी नजर आ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, ईशान किशन सहित कौन से चार दिग्गज खिलाड़ियों के मैदान पर वापसी भी होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सलामी बल्लेबाजों की। तो दोस्तों रोहित शर्मा के मुताबिक सलामी बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से मैदान पर कई महीनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए नजर आएंगे। बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा की जिम्मेदारी इस बार बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें कप्तानी भी करना है। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, इनके आंकड़े भी बेहद ही शानदार नजर आए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा से उम्मीद करें कि पहले ही वनडे मुकाबले में शानदार शतक जड़े। इसके अलावा आप सभी को नंबर 2 पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ईशान किशन पावर प्ले के ओवर में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कल के मुकाबले में प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में आप सभी को विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक बात की जाए विराट कोहली की, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इस बार एक बार फिर से इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। इसके अलावा आप सभी को सूर्य कुमार यादव भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा के फेवरेट सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर से इस वनडे सीरीज में मौका मिला है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव कर पाते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेर सकते हैं और विकेट कीपिंग में तो आप सभी ने देखा होगा कमाल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ऐसे में इनके द्वारा भी हमें शतकीय पारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर दीपक हुड्डा और शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक बात की जाए दीपक हुड्डा की, तो इस युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए पहले वनडे मुकाबले में जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह एक विस्फोटक खिलाड़ी हैं जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं और भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। इनका डेब्यू हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर के, तो शार्दुल ठाकुर तो कमाल के बतौर गेंदबाज और बतौर बल्लेबाज इन्होंने हर तरफ अपना जलवा बिखेरा है। इन्हें एक ऑलराउंडर खिलाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया था, बल्ले के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया था
था, अर्धशतकीय पारी भी खेली थी और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ला रखा था। इसके अलावा गेंदबाजी में तो भारतीय टीम की तरफ से 10 ओवर डालकर दे सकते हैं, ऐसे में काफी अहम गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। इसके अलावा स्पिनर गेंदबाज के तौर पर युजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका का दौरा युजवेंद्र चहल के लिए काफी खराब रहा था, जिसके बाद से ही अब इन्हें टीम इंडिया में एक बार फिर से मौका मिला है। अब उम्मीद करते हैं कि इस वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करे, वरना फिर खराब प्रदर्शन करने के बाद इन्हें वनडे से छुट्टी की जा सकती है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दीपक चहर जो कि अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, स्विंग गेंदबाजी कमाल की करते हैं। भारतीय मैदानों पर दीपक चहर के आंकड़े बेहद ही शानदार नजर आते हैं और इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी अपने स्विंग गेंदबाजी और 140 से ज्यादा की स्पीड के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा भी टेस्ट क्रिकेट में हमें काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि वनडे क्रिकेट में भी इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। इसके अलावा आप सभी को नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन गेंदबाज की भूमिका निभाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के वनडे मुकाबले में किस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं, कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का पहला वनडे मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।